बागे जन्नत के हैं बहरे मध खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। किस जुबां से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मध गोए मुस्तफ़ा है मध खाने अहले बैत। और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और उनके घर बे इजाज़त जिब्रील आते नहीं, क़द्र वाले जानते हैं क़द्र शाने अहले बैत, क़द्र वाले जानते हैं क़द्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद की जो आय मुबारक तिलावत की, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगो, मैंने जो तुम्हें इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया तुम्हारे सामने, तुम्हें जहन्नम के रास्ते से निकाल कर जन्नत के रास्ते की तरफ चलाया, तुम्हें इस्लाम के दामन से वाबस्ता किया, और इस दामन इस्लाम से वाबस्ता करने की खातिर जो हमने मुसीबतें बर्दाश्त की, जो हमने आलाम झेले, जो हमने परेशानियां देखी, मैं उस परेशानी पर तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, कोई सिला नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए इन लोगों से, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं अपनी तबलीग की बुनियाद पर तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, कोई बदला नहीं चाहता, कोई चीज़ नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह फरमाता है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब इनसे आप कहिए कि बस ये आपकी आल और अहले बैत से मोहब्बत करने लगे। यानी अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि उसके बंदे जो भी उसके महबूब के उम्मती हैं, वो उस महबूब की आल उसकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। ये अल्लाह की चाहत है, अल्लाह ये चाहता है कि हर बंदा अहले बैत की मोहब्बत करने वाला बन जाए। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह के महबूब की अहले बैत से मोहब्बत का तरीक़ा क्या होगा हमारा? तो तरीक़ा हमारा जो होगा, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम राफजी या शिया या तफजीली नहीं हैं जो किसी एक गिरोह से मोहब्बत करें और दूसरे गिरोह से दुश्मनी या अदावत रखें। हम अगर अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो सहाबा की भी अजमत बयान करेंगे, सहाबा की भी अजमत को अपने दिल में बिठा कर रखेंगे, इसलिए कि हुजूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मसलु अहली बैती का मसली का सफ़ीनति नूहिन मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरका, यानी मेरे अहले बैत की मिसाल सफ़ीने नूह यानी कश्तिये नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो कामयाब हो गया, और जो इसे छोड़ दिया, हुजूर फरमाते हैं गरका, वो डूब गया, वो नाकाम हो गया। उसके अलावा दूसरी हदीस आप मुलाहजा करें, हुजूर फरमाते हैं असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, फ़बी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, तो जिसकी भी जिस सहाबी की भी तुम पैरवी करोगे, इक्तदैतुम इहतदैतुम, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम हिदायत पा जाओगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत की तलकीन नहीं की, मोहब्बत नहीं मांगी, बल्कि अपने सहाबा की शान बयान करके ये फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्तिये नूह की तरह हैं और मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। और जब आप कश्ती में सवार होते हैं, मंजिल मकसूद की तरफ आपको जाना हो, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना हो, जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो दरिया में रात के वक्त अगर आपको सिमत मालूम करना है कि मान लो मुझे मदीने की तरफ जाना है, तो मदीने की सिमत मालूम करने के लिए आपको सितारों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हुजूर फरमाते हैं मेरी अहले बैत कश्ती की मानिंद है और मेरे सहाबा सितारे की मानिंद है। अगर तुम इस दुनिया के समंदर में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें अहले बैत की
कश्ती में भी सवार होना पड़ेगा और मेरे सहाबा के उन सितारों को भी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कामयाबी मैसर हो सकती है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी हम अहले सुन्नत का बेड़ा इस बुनियाद पर पार है कि हम हुजूर के सहाबा को भी मानते हैं और हुजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। चूँकि मेरा उनवान अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान की मोहब्बत है, अज़ीज़ान मोहतसम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन, यानी हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बेटे हैं, और फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना कि ये मेरे दोनों बेटे जो हसन और हुसैन हैं ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और इज्जत को पेश किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, आप ये गौर करें कि इमाम हुसैन ने जो ये शहादत पेश की है, ये शहादत का मकसद क्या था? क्या इमाम की शहादत का मकसद सिर्फ खेल कूद था? उस दिन जो है तमाम तरह के लघवियात को अपनाना था, तमाम तरह की अय्याशियाँ करना था? बल्कि इमाम हुसैन की शहादत का मकसद आप ये देखें कि इमाम हुसैन ने जो शहादत पेश की वो यजीद के मुकाबले में की। किसके मुकाबले में? यजीद के मुकाबले में। और यजीद के मुकाबले में शहादत क्यों पेश की? वो इसलिए पेश की कि यजीद कुरान के अहकाम को बदलना चाहता था, दीन के उसूल को पामाल करना चाहता था, दीन के जवाबित को तब्दील करना चाहता था। कुरान अगर कहता है कि शराब हराम है तो यजीद उसे हलाल हलाल का जो है तरीका फराहम करना चाहता था। कुरान अगर कहता है सूद हराम है तो यजीद उसे जवाज़ फराहम करना चाहता था। कुरान अगर कहता है कि अय्याशी करना ये गुनाह अजीम है तो यजीद उसको बरसरे आम करना चाहता था। यजीद अय्याशी करता था और लोगों के दरमियान उसको आम करना चाहता था। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे शख्स के हाथ में बैत नहीं कर सकता जो मेरे नाना के लाए हुए दीन को पामाल कर रहा हो, जो कुरान के अहकाम को पामाल कर रहा हो। आप गौर करें कि इमाम हुसैन ने सिर्फ कुरान के अहकाम को पामाल होने से बचाने के लिए अपनी शहादत को पेश किया, दीन के सही रूप को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी शहादत को पेश किया, दीन के उसूल और जवाबित को बचाने के लिए अपनी शहादत को पेश किया। अगर कल इमाम हुसैन ने शहादत न पेश की होती बल्कि उस यजीद लाइन और बदबख्त के हाथ में अपने हाथ को दे दिया होता तो आज ये मिसाल बन जाती कि यजीद जैसे हुक्मरान को भी अपना हाकिम बनाया जा सकता है। ऐसे हाकिम जब आपके सामने हो तो उनके सामने अपने सर को झुकाया जा सकता है। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को पेश करके ये पैगाम दे दिया कि ऐसा जालिम जाबिर शख्स जब आपके सामने हो तो आप अपनी शहादत को पेश कर दें, लेकिन कुरान के अहकाम को, शरीयत के फरामीन को और दीन के उसूल और जवाबित को कभी पामाल न होने दें। किसी आशिक ने कहा है इमाम हुसैन के कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज देखें कि हुसैन नाम के आपको हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन यजीद नाम का आप चराग लेके भी ढूंढें तो दुनिया में मुश्किल से कोई नहीं है। ये है इमाम हुसैन की शहादत का मकसद। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आमाल पे गौर करें कि इमाम हुसैन के आप नाम लेवा हैं, इमाम हुसैन के आप आशिक होने का दावा करते हैं, कि आप कभी कुरान के अहकाम को कहीं पामाल तो नहीं कर रहे होते? कुरान कहता है वाकिमुस्सला कि अय मुसलमानों नमाज कायम करो, कहीं आप नमाज को छोड़ तो नहीं रहे होते हैं? कुरान कहता है वातुज़्ज़का और ज़कात अदा करो, कहीं आप ज़कात को छोड़ तो नहीं रहे होते हैं? ज़कात को आप खा तो नहीं रहे होते हैं? कुरान इस तरह के तमाम अहकाम, कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन भाई भाई हैं। आप देखें कि कहीं आप किसी मोमिन का दिल तो नहीं दिखा रहे होते हैं? आप अपने भाई को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे होते हैं? आप अपने भाई का हक तो नहीं मार रहे हैं? आप अपने पड़ोसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे हैं? ये आम हो चुका है कि अगर आप ताकत पा जाएं, अगर आपके पास दौलत आ जाए तो आप जिसके पास ताकत ना हो उसे सता रहे होते हैं, जिसके पास दौलत ना हो उस पर जो है जुल्म ढा रहे होते हैं। आप इमाम हुसैन के मानने वाले अगर हैं तो सच्चे दिल से तौबा करें और तमाम मुसलमानों को अपना भाई समझना शुरू कर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत अदा करें।